गाइज वेलकम बैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के अंदर आपका फोर्थ लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने एनाटॉमी से शुरुआत की है। साथ साथ तो आपको इसकी पिक्चर के साथ आपको ये चैप्टर करवाया जा रहा है। देखिए, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तीन तरह से: एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया और एसेसरी ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं। हमने मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बारे में पढ़ लिया है, उनकी एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। मोन्स प्यूबिस के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है कि इसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ होता है और अपेक्स नीचे की तरफ। लेबिया मेजोरा की एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी आपकी, कि वहाँ पे फोर्सेप डिलीवरी के दौरान क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है और हेमाटोमा की फॉर्मेशन हो सकती है। लेबिया माइनोरा के बारे में एक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, दैट इज़ कि चाइल्ड बर्थ के दौरान वहाँ पे कटफट हो सकता है, ठीक है, और वो आपको तभी के तभी सूचर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लिटोरिस के बारे में। ठीक है, क्लिटोरिस आपका क्या होता है, लेबिया माइनोरा ही आपके ऊपर की तरफ मिलके, या फिर आप कह सकते हो मोन्स प्यूबिस के नीचे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ये आपकी क्या होती है, क्लिटोरिस होती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्लिटोरिस आपका क्या है, स्मॉल सी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इरेक्टाइल पार्ट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस क्या है, इरेक्टाइल होता है, और यहाँ पे क्या है आपका, क्लिटोरिस होता है। लेंथ है जो क्लिटोरिस की वो बिल्कुल स्मॉल होती है आपकी, 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक ये होता है। और इसके बारे में क्या चीज़ है, क्लिटोरिस के पार्ट्स। ठीक है, क्लिटोरिस को आप जब भी देखोगे तो इसके तीन पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, ग्लैंड्स, बॉडी और क्रिक्यूरा। जब आप पेनिस की स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसके भी आपके पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब ये भी होमोलोगस है आपके मेल पेनिस के, तो उसी तरह से इसके भी पार्ट हैं आपके, ग्लैंड्स, बॉडी और क्रूरा। जो ग्लैंड्स है वहाँ पर आपको स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और बॉडी आपको पता ही है, मतलब बीच के पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। क्रूरा क्या है, 2 होते हैं नंबर के अंदर। और जो आपका क्लिटोरिस है, इस पार्ट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नर्व्स देखने को मिलेंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी आप ऑर्गन्स पढ़ोगे उन सब में सबसे ज़्यादा क्या, नर्व आपको क्लिटोरिस के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही इरेक्टाइल पार्ट है। और नेक्स्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस इन मेल्स। ठीक है, जो आपका मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स पेनिस वाला जो पार्ट है, पेनिस का बिल्कुल फ्रंट का पार्ट, तो उसके होमोलोगस होता है आपका क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस आपका इरेक्टाइल क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और उस टिश्यू का नाम है आपका कॉर्पस कैवर्नोसा। ये आपका एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका फीमेल मेल पेनिस है वो भी आपका इरेक्टाइल होता है इसी टिश्यू की वजह से, और जो फीमेल का क्लिटोरिस है दैट इज इरेक्टाइल बिकॉज ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा। ये आपको याद रखना है, एक नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो और इसके बारे में आपने जो पढ़ना है, क्या इट इज़ अटैच्ड टू अंडर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। अगर आपने बोन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जो पेल्विस होता है, पेल्विस की जो बोन्स हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस नाम के एक जॉइंट से जुड़ी होती हैं, तो जो आपका क्लिटोरिस है वो अटैच होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर नीचे वाले सरफेस पे, किसकी हेल्प से, एक लिगामेंट की हेल्प से। उस लिगामेंट का नाम आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्लिटोरिस, इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। क्लिटोरिस क्या है आपका, ये जो लेबिया मेजोरा है इनके जो ऊपर की बेस पे नहीं अपेक्स पे जो चीज़ बन रही है वो आपकी क्या है, क्लिटोरिस है। ये आपका इरेक्टाइल पार्ट होता है, इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। पार्ट्स, ग्लैंड्स, बॉडी, क्रिक्यूरा, यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और आपका होमोलोगस किसके है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके ये होमोलोगस पाया जाता है, ग्लैंड्स पेनिस के होमोलोगस पाया जाता है। क्लिटोरिस इरेक्टाइल है किसकी वजह से, कॉर्पस कैवर्नोसा की वजह से। और लास्ट बात इसके बारे में क्या है इम्पोर्टेंट, वो है कि ये आपका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, आप बोन वाले चैप्टर में सिम्फाइसिस प्यूबिस देखना कहाँ पे होता है, दो प्यूबिक बोन को जोड़ने वाला जो जॉइंट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, उस जॉइंट के साथ आपका क्लिटोरिस अटैच्ड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ रहा है।